मैं तो पार्टी की तरफ से न स्पोक्स पर्सन हूँ और न मुझे कोई इजाज़त मुझे न इजाज़त दी गई है कि मैं इस पर, लेकिन अगर एक मुझे आप निजी तौर पूछेंगे, निजी तौर इसमें क्या गलत है, अगर यूपी में समाजवादी पार्टी और बसपा मिल सकते हैं, अगर बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिल सकते हैं, तो अगर हम लोग बीजेपी के साथ मिले कश्मीर के हित में, तो अगर कश्मीर के हित में ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मिलना चाहे 35A की रखवाली करनी है, 370 की रखवाली करनी है, यही कॉमन एजेंडा बन सकता है, इसी एक चीज़ के लिए मिल सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। तो ये कोई गाली गलौच नहीं है और किसी को ये चैलेंज भी नहीं समझना चाहिए, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता है? इसके लिए आप बहस से सीनियर लीडर आप बात आगे चलाएंगे? नहीं, देखिए पार्टी की एक तंजीम में बाज़ाब्ता एक वर्किंग कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है और हमारे बाकी अहदेदारान हैं, ये उनका काम है, लेकिन निजी अगर मुझसे राय पूछेंगे इसमें क्या है, अगर लोग चाहते हैं हमें करना चाहिए कि ये बुनियादी तौर मरकज़ी सरकार का डिसीजन है कि वो कब पाकिस्तान के साथ बात करें, लेकिन जहाँ तक कश्मीर मसले का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक फरीक है, उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, इट इज़ अ हिस्टोरिकल फैक्ट कि पाकिस्तान एक फरीक है, कश्मीरी फरीक है और भारत तो है ही है। मैं पहले तो ये नहीं मानता हूँ कि कोई किसी का कोलिशन पार्टनर कभी रहे होंगे, आज तो कोई उनके कोलिशन पार्टनर नहीं है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या पीडीपी ने जो बायकॉट किया वो लोगों के साथ जज्बाती तौर खड़ा रहने के लिए किया, क्योंकि लोगों की उमंगें हैं जिनको ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए हम लोगों ने बायकॉट किया। कोई ज़ोर दबाव तो था नहीं हम पे किसी का कि बायकॉट करिए दोनों पार्टियों पे, मैं अपनी पार्टी की बात करता हूं, लेकिन हम लोगों ने लोगों की उमंगों के साथ खड़ा रहने के लिए बायकॉट किया इलेक्शन का, वरना हम तो मेन स्ट्रीम लोग हैं, हमें तो पता है इलेक्शन जो निकलना है इलेक्शन से ही निकलना है, और अगर इन इदारों को ऐसे कमज़ोर करने की कोशिश की जाए जहाँ मेन जो बुनियादी तौर रियासत की जो दो बड़ी तंजीमें हैं वो बायकॉट करें और फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये सोचे कि ये इलेक्शन हो सकते हैं, तो फिर उनकी मर्ज़ी है, अगर वो माइनस पीपल डेमोक्रेसी को यहाँ चलाना चाहते हैं तो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन उनको कोई हल नहीं निकलेगा, इससे कोई हल नहीं निकलेगा जब तक ना वो जो लोगों के सही तर्जुमान हैं, नुमाइंदे हैं, उनको हर एक मसले में ऑन बोर्ड।